फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन, जिसका नाम है ब्लॉसम्स गार्डनिंग टिप्स। आज हम बताएंगे बरसातों में विलायती गुलाब का पॉटिंग कैसे किया जा सकता है। काफ़ी लोगों का मानना है कि बरसातों में विलायती गुलाब, जो इंग्लिश गुलाब हम कहते हैं, उनका पॉटिंग नहीं हो सकता है। मैं कहता हूँ हो सकता है। आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा, हम आपको बताएंगे विलायती गुलाब का पॉटिंग बरसात में कैसे किया जाता है। हमने मिट्टी ली है और इसमें हम मिलाएंगे साफ फंगीसाइड। एक चम्मच फंगीसाइड हम मिला रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तीन पौधे हैं। ये है बोन मील, तीन चम्मच हम बोन मील ले लेंगे, टी स्पून्स बोन मील। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको किसी भी नर्सरी में मिल जाएगा। ये है तीन चम्मच, बड़े चम्मच वर्मी कंपोस्ट, एक बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। और दूसरा हम मिलाएंगे एक चम्मच मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको हम कहते हैं एप्सम सॉल्ट, आपको मेडिकल में मिलेगा, वो इस्तेमाल नहीं करना है। आप कोई भी नर्सरी में ले लीजिएगा, बहुत ही सस्ता मिलता है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये थोड़ा सा हमने इसमें फर्टिलाइज़र्स मिलाए, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स आपको मिलाने नहीं हैं, क्योंकि पौधा नया है और नए पौधे को आपने बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र दिया तो आपका पौधा मर जाएगा। यह है एक हमारा गमला, पुराना इस्तेमाल किया हुआ गमला है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक का गमला है। याद रखिएगा, आप एक मिट्टी के गमले का टूटा हुआ टुकड़ा रखना ना भूलिएगा इस सुराख के ऊपर, नहीं तो आपकी मिट्टी इन सुराखों को बंद कर देगी और पानी बहना बंद हो जाएगा। तो ड्रेनेज होल से पानी बहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके पौधे सड़ जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं पॉटिंग। ये हमने मिट्टी डाल दी है, हम इसमें हमारा पहला विलायती गुलाब इसमें उगाएंगे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जब भी आप इन नर्सरी बैग में से पौधों को निकालते हो, रूट बॉल को आपको कंप्लीट डिस्टर्ब नहीं करना है, मिट्टी रहने देना है। अगर आप सारी मिट्टी निकाल देते हैं, जड़ों को एक्सपोज करते हैं, आपके पौधे मर सकते हैं। याद रखिएगा, थोड़ी मिट्टी रहने दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पौधा बहुत ही अच्छा उगेगा उसी मिट्टी में, क्योंकि वो पहले से उसी मिट्टी में उगता आया हुआ है। तो याद रखिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि मैं तीन प्रकार के टिप्स आपको दूंगा बरसात में विलायती गुलाब कैसे उगाया जा सकता है, कैसे पॉटिंग किया जा सकता है सक्सेसफुली। और हम एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन रामबाण उपाय बताएंगे फर्टिलाइजिंग का, जिसके वजह से आपके पौधे में बहुत ही अच्छी मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फूल खिलेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला पौधा। अभी हम दूसरा पौधा उगाएंगे उसी प्रकार से, दूसरे गमले में। तो याद रखिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और गौर से देखिएगा हमने कैसे कैसे ये इन पौधों को उगाया है, कैसे कैसे इन पौधों को पॉटिंग किया है। तो बरसात में कुछ लोगों को तकलीफें आती है, मुझे पता है, क्योंकि वो सही प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सही प्रोसेस को अपनाते नहीं हैं। अभी हम इनको पानी दे देंगे। पानी में थोड़ा सा हमने एक आधा चम्मच फंगीसाइड फिर से मिलाया है। ये साफ फंगीसाइड बहुत ही अच्छा, बेहतरीन, एक नंबर फंगीसाइड है, आपको अमेजोन में मिल जाएगा। तो ये देखिए सबसे पहला टिप जो है, हमने बुरबुरा मिट्टी इसमें इस्तेमाल की है। याद रखिएगा, आपको बिल्कुल ही गीली मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करना, ये नंबर वन टिप है। ओके, दूसरा, आपको पानी बहुत ही कम मात्रा में देना है, क्योंकि बरसात के मौसम में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए आपको बहुत ही कम मात्रा में पानी देना है। ड्रेनेज होल से पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा, आपको बिल्कुल ही पौधों को बरसात में नहीं छोड़ना है,
आपको इन पौधों ही रखना। ये देखिए 40 दिन के बाद का नज़ारा, हमने जब पॉटिंग इनके सारे पत्ते निकाल दिए थे, कुछ एक दो पत्ते छोड़ करके हमने पत्ते निकाल दिए थे, क्योंकि पत्ते अगर हम रखते हैं, इन पत्तों को ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करता है और नहीं हो पाता है। कुछ एक दो पत्ते हमने छोड़ दिए हैं, खाद बनाने के लिए उनको वो पत्तों की ज़रूरत होती है। तो अभी हम रामबाण, एक बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र बताएंगे विलायती गुलाब के लिए। अभी 40 दिन हो गए, अभी हमने सोचा पहला डोज इनको देना है। हमने अभी 6 चम्मच नीम खली ले लिए, 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट ले लिया है, और लगभग 1 चम्मच हमने लिया है NPK 19-19-19। NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और हम लिया है 1 चम्मच सीवीड, ये जो ग्रैन्यूल्स आप जो नीले नीले आप देख रहे हैं, ये सीवीड है। सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है और सीवीड ग्रैन्यूल्स होते हैं। सीवीड एक समुद्री घास का जो फर्टिलाइज़र है, इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके बाद हम मिलाएंगे 0050 यानि पोटैश, 1 ग्राम पोटैश हम मिलाएंगे। पोटैश पौधों में खिलाने के लिए या फूलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है पोटैश। ये फूल खिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। आखिर में हम मिलाएंगे, आखिर में नहीं, इसके बाद हम मिलाएंगे 6 चम्मच वर्मी कंपोस्ट। शुरुआत में भी हमने वर्मी कंपोस्ट मिलाया था। आखिर में हम मिलाएंगे 3 चम्मच बोन मील। अगर आपके पास बोन मील नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा, आप रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम और फॉस्फोरस इस बोन मील में होता है। ये हड्डियों का चूरा, बोन मील यानि जानवरों के हड्डियों का चूरा। इस मिश्रण को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। अच्छी तरह से मिलाने के बाद इन गमलों में इन पौधों को हम दे देंगे। 15 दिनों के बाद फिर से इसी चीज़ का इस्तेमाल करना है इन पौधों में, तब जाकर के आपके पौधे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फूल देना शुरू करेंगे। अक्टूबर के महीने में जैसा बरसात ख़त्म हो जाता है, पत्ते बढ़ जाएंगे और फूल खिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा शुरुआत से हमने पॉटिंग कैसा किया है और कैसे पौधे उगाए हैं, मैंने जैसे कहा, याद रखिएगा, बरसात में अगर आप पॉटिंग करते हो, पॉटिंग करने के वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ बुरबुरा मिट्टी आपको इस्तेमाल करनी है। सूखी बुरबुरा मिट्टी यानी सूखी मिट्टी होनी चाहिए, गीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आप गीली मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, ज़रूर आपके पौधे फंगस का शिकार हो जाएंगे और गल जाएंगे, मर जाएंगे। तो मायूस होने से बचिएगा। और उसके बाद जैसा मैंने दूसरा टिप कहा, बहुत ही कम मात्रा में आपको पानी देना है। जैसा ऊपर का मिट्टी, जैसे ऊपर की मिट्टी, ऊपरी मिट्टी सूखी हो जाती है, आपको देखना है इस पौधे को पानी की ज़रूरत है या नहीं। पानी बरसात में मिट्टी में फंसा हुआ रहता है, याद रखिए। इसीलिए ऊपर की मिट्टी भी अगर आप सूखी देखते हो, तो फिर भी आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं देना है। बहुत ही कम मात्रा में पानी देना होता है पौधों को बरसात में। तीसरा, फिर से मैं कह रहा हूँ, आपको बिल्कुल ही बरसात में इन पौधों को छोड़ना नहीं है। अगर आप इन पौधों को बरसात में छोड़ोगे, 100% आपके पौधे मर जाएंगे। ये मूल मंत्र है बरसात में विलायती गुलाब, इंग्लिश गुलाब पॉटिंग करने का। तो दोस्तों, आपने हमारी पूरी वीडियो देख ली है और आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ गई होगी। आखिर में हम अभी फर्टिलाइज़र देने के बाद
याद रखिए, कभी भी हमें पानी देना होता है। अभी हम पानी देंगे, फिर से एक बार हम फंगीसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक चम्मच फंगीसाइड 2 लीटर, लगभग 2 लीटर पानी, 2 लीटर नहीं 1.5 लीटर पानी है। 1.5 लीटर पानी में हमने 1 चम्मच टीस्पून फंगीसाइड मिलाया है। साफ फंगीसाइड आपको मिलेगा अमेजोन में। तो 2-2 ग्लास हम पानी डालेंगे एक एक गमले में, इतना ही काफ़ी है। और उसके बाद आपको 10 दिन तक पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा है हवामान में, एटमॉस्फेयर में। तो कुछ आपने देखा होगा, एक पौधे में कली भी आई थी और फूल खिलने शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा बरसात में पौधों को उगाने का तरीका। कौन से पौधे? विलायती गुलाब के पौधे कैसे पॉटिंग किया जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। हमारे वीडियोस देखते रहिए। हम आपको बहुत ही अलग अलग किस्म की वीडियोस प्रस्तुत करते रहते हैं। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, हमने बहुत ही ज़्यादा वीडियोस अपलोड किए हैं। ये इन विलायती गुलाबों के भी वीडियो हमने पॉटिंग किए हुए पिछले साल अपलोड किए थे, आप देख सकते हैं। मिट्टी के हैं और गुड़ौल के हैं और काफ़ी सारे वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ। गुड बाय।